हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। ये वीडियो ना उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो सीए फाउंडेशन में स्टडी कर रहे हैं, जो सीए फाउंडेशन में ज्वाइन करने वाले हैं, जो सीए फाउंडेशन से इंटर में और इंटर से फाइनल में जाने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, लाइक का बटन दबाएंगे और मैं इसमें एक बहुत 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 रियलिटी, एकदम जो फैक्ट है, जो मार्केट का जो पूरा सिनेरियो है, उसका एक ब्रीफ समरी देने वाला हूँ कि जो नया करिकुलम आईसीआई का आने वाला और खास करके 2 जून। मेरे पास स्टूडियो नहीं है तो मैंने सारा आपके लिए नोटिफिकेशन सारे की समरी तैयार की है और उसका अगले 5 मिनट के अंदर मैं सारी की सारी समरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जो नोटिफिकेशन है 2 जून 2022 का, जो आपका गैजेटियर ऑफ इंडिया में आईसीआई की तरफ से जो आया है, जो खास करके आपके करिकुलम के बारे में बात करता है, उसके कोर्स स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, स्टाइपेंड और तमाम चीज़ें, आर्टिकल शेप और किस तरह से आगे सीए का कोर्स रेगुलेट होगा, कितने टाइम का होगा, रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी क्या होगी, नया कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा जो आईसीआई ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर किया, सबकी समरी अगले 5 मिनट के अंदर, जो आप बहुत लंबे लंबे और रियलिटी वर्सेस जो कहानियां चल रही है यूट्यूब के ऊपर, वो दोनों चीज़ें आपसे शेयर करूंगा। जो पिन पॉइंट्स है इस पूरे सिलेबस का, जो सोल है, उसको भी डिस्कस करूंगा, कंक्लूड करूंगा। तो उसकी समरी जरा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जो करंट स्कीम में करंट स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड है, जो आर्टिकल शिप कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, एक्सेप्ट आपके स्टाइपेंड के ऊपर। स्टाइपेंड का एक स्ट्रक्चर आया है जिसमें 1, 2 और 3 ईयर्स का इंस्टीट्यूट ने प्रोविजन दिया है, तो 3rd ईयर वाला ऑफ कोर्स आपको ही टारगेट करके दिया होगा। जैसे ही वो प्रॉपरली नोटिफाई होगा, अप्लाई होगा, इंस्टीट्यूट उसकी अनाउंसमेंट करेगा, वो 3rd ईयर वाला 3, 4 और 5, 4, 5 और 6 और 2, 3 और 4 वाला जो स्ट्रक्चर है वो है। बट वहाँ मेरे हाथ निराशा लगी है क्योंकि इंस्टीट्यूट से उम्मीद थी कि मिनिमम 10,000 तक आईसीआई स्टाइपेंड को लेके जाएगा बड़े शहरों में, खासकर के 20 लाख से ऊपर की सिटीज़ में या 5 लाख की ऊपर की सिटीज़ में। ये 2, 3, 4 और 4, 5, 6 का स्लैब बड़ा ही बचकाना सा लगता है और सीएस की कमाई कोई इतनी कम नहीं होती है जो स्टाइपेंड ढंग के नहीं दे सकते। तो एक मेरे को थोड़ा सा पहले वहीं से शुरू कर रहा हूँ और बाकी वो सब चीज़ें जो अभी नोटिफिकेशन के अंदर हैं वो उन बच्चों के लिए जो फाउंडेशन से इंटर में आएंगे और जब न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस होगा तो उसमें एडमिशन लेंगे, जिसमें अभी कम से कम 1.5 से 2 साल लगेंगे। दूसरी बात, जो इंटर से फाइनल में आएंगे उनके लिए कुछ हॉट है, जो उसमें भी आपको 1 से 1.5 साल का इंतजार है। आप इंटर में हो, फाइनल में आने वाले हो, आपको ये वीडियो ज़रूर सुनना चाहिए। तो ये सारे बच्चे जो अभी किसी भी लेवल पे हैं उन सबको सुनना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो चेंजेज आ रहे हैं आपके लिए नहीं, सब आपके लिए हैं। आईसीआई ने सब आपको फोकस में रख के ही किया है, सबका इम्पैक्ट आपके करियर, आपके लाइफ, आपके प्रैक्टिस, आपके भी स्टडी के ऊपर पड़ने वाला है। तो बहुत ध्यान से सुनना, लाइक करना जरा चैनल को, बाकी सब्सक्राइब करना, बने रहना। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं सीए फाउंडेशन की, एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। पहले होता था अकाउंट्स, बिजनेस, मैथ्स, लॉ, बीसीआर एंड इको बीसीके, हमारे पास ये पेपर होते थे। अभी उसकी जगह पे 4 पेपर आ गए, अकाउंटिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके एक पेपर आ गया, बेसिकली वही है, स्टैट्स, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस लॉ आ गया। बीसीआर को टाटा गुड बाय कह दिया हमने, बीसीके को थैंक यू बोल दिया और सर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स आ गया। अब उस बिजनेस इकोनॉमिक्स में सीए इंटर वाला एफएम इको के साथ वाला इको है या नहीं है, इस पर कोई क्लैरिटी एज सच नहीं है, नहीं है तो वेट करते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ बहुत ही क्लियर आ रही होगी। देखो भाई, क्वेश्चन का जो पैटर्न किया है उन्होंने 50% मार्क्स इन ईच पेपर कर दिया, आपको लाने ही होंगे पास करने के लिए। 25% की नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की है और आपकी रजिस्ट्रेशन 4 ईयर के लिए वैलिड होगी। मेरे को नहीं लगता फाउंडेशन में इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत है और इससे ज़्यादा कोई और बात है। दिस वॉज ऑल अबाउट फाउंडेशन। अब बात करते हैं इंटर के बारे में, बड़ा भूचाल मचा है इंटर को लेकर के, नहीं ओके बात करते। देखो पहले आपके पास टोटल 8 पेपर्स होते थे, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4, सबको पता है। अभी कैसा हो गया, ग्रुप 1 में इंस्टीट्यूट ने एडवांस अकाउंट, अकाउंट एंड एडवांस अकाउंट को मर्ज करके एक पेपर बना दिया। दूसरा लॉ, बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ, जो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेगा सारे एस्पेक्ट्स को। और तीसरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो ऑलरेडी होता था। 3 पेपर तो हो गए सर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में टैक्स है, ऑडिट है, एफएम के साथ एसएम लेके आए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, जो केस बेस्ड होगा, प्रैक्टिकल होगा और साथ ही साथ ईआईएस को कह दिया टाटा गुड बाय। अभी रुक जाओ जरा, ये तो मतलब अपन ने तो ऐसे मान लिया कि गुड बाय कह दिया, हाँ गुड बाय इंटरमीडिएट से कह दिया, थैंक यू सो मच, अच्छा किया, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया इंटर से। बट क्या उसको रियली सीए की स्टडी से, जहाँ 21st सेंचुरी में दुनिया टेक्नोलॉजी, आईटी, ब्लॉकचेन, डेटाबेस और इनके चीज़ें, इमर्जिंग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसके पीछे भाग रही है, एलेक्सा और कोटाना के पीछे और सीरी के पीछे भाग रही है
और एक से एक बेल लैब्स जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, तो क्या EIS रिमूव हो सकता है सिलेबस से? मेरा बड़ा जवाब है, विद रेफरेंस टू वाइस प्रेसिडेंट स्पीच दैट यू हर्ड यस्टरडे, यस, EIS का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा IT का रोल होने जा रहा है आपके CA फाइनल के सिलेबस में। तो आओ मिलके पढ़ेंगे CA फाइनल में वो सारे IT के कंपोनेंट, भाई मैं ही आपको पढ़ाऊंगा एज एन एक्सपर्ट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट। और SM जो FM के साथ है, मैं आपको जरूर पढ़ाने वाला हूँ। FM वाले सर लोग देख लेंगे, SM टेक्निकल होगा, केस बेस्ड होगा, हम करने वाले बहुत आराम से करने वाले। तो 6 पेपर हो गए आपके पास, 30% MCQs होंगे, 70% डिस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव होंगे, बट दोनों MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव में केस एंड सिनेरियोज की भरमार रहने वाली है। इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल इस बात की पिक्चर क्लियर कर दी है, जैसे न्यू कोर्स में जो 18 में आया उसके अंदर क्लियर किया था, सेम यहाँ भी, और ज्यादा रिगरस केस स्टडी एंड प्रैक्टिकलिटी को लेकर ICAE होने वाला, एप्लीकेशन बेस्ड सिलेबस होगा, यही अभी तक इंस्टीट्यूट बोल रहा है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होंगे, प्रॉक्टरिंग वाले जो एग्जाम होते हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशन भी होंगे, नेगेटिव मार्किंग 25% वाली चांसेस है आने के, मैं चांसेस बोल रहा हूँ अभी थोड़ा सा ब्रीफली, रीजन सुनो, CC ने अपने पास बहुत सारे पावर रखे हैं कि सब्जेक्ट टू CC's अप्रूवल और वो दे विल डिसाइड, अपने पास बहुत सारा पावर रखा है। 3 attempts तक आपके पास एग्जेम्पशन होंगे जो अभी भी होते थे 60 प्लस वाले बच्चों के लिए, 4th attempt ऑनवर्ड 50% मार्क्स हर पेपर में आते हैं तो एग्जेम्पशन कैरी फॉरवर्ड होंगे, ये एक नई बात है जो मेरे को सुनने को मिली है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता था, स्टाइपेंड मैंने आपसे डिस्कस किया है, ठीक है, 20 lakh से ऊपर की सिटीज में 4, 5 और 6 हज़ार का स्लैब है, फर्स्ट ईयर 4, सेकेंड ईयर 5 एंड थर्ड ईयर 6, जो बहुत ही कम है, बहुत कम है। 5 से 20 lakh वाली सिटीज में 3, 4 और 5 का स्लैब है, 5 lakh से नीचे 2, 3 और 4 का स्लैब है, तो ये बहुत ही बुरी खबर है, मेरे को अच्छा नहीं लगा। CA फाइनल की बात करते हैं, जो एक्साइटिंग चेंज होने वाला, जितने भी बच्चों ने अभी मेरे से EISSM पढ़ा है वो जरूर CA फाइनल में आप जाने ही वाले हैं रिजल्ट के बाद, या अगले अटेम्प्ट में जाएंगे। जब भी आप जाओगे और अगर न्यू कोर्स से आपका पाला पड़ता है या आपके जाने तक आ जाता है, तो अगर नोटिफिकेशन अगर पूरी तरह से एप्लीकेशन हो जाता है, जिसके होने में भी 2 साल का वक्त लगेगा, तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की लाइफ में बहुत कुछ नहीं बदलने वाला। हो सकता है जब तक आप CA बन जाओ, जब तक ये कोर्स पूरी तरह से स्ट्रक्चर में अपने शेप में आएगा, उनके लिए कुछ खास खबरें हैं, बहुत एक्साइटिंग खबरें। सारा अमेंडमेंट जो हुआ है, जो मेजर चेंजेज हुए हैं वो CA फाइनल में हुए हैं, इंटर में जो चेंजेज हुए हैं बेसिकली शफलिंग्स हुई हैं, कुछ आगे कुछ पीछे और कुछ फाइनल्स में। तो जो EISSM जैसे पेपर में जैसे एक चेंज हुआ, एक और मेरे हिसाब से कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ इंटर के अंदर, तो SM तो एज इट इज है, और EIS का बड़ा रोल CA फाइनल में दे दिया, तो EISSM की जितनी फैकल्टीज है उनके लिए तो काम बढ़ गया उनका काम, अब वो कैसे निपटाएंगे वो देखने वाली बात है। CA फाइनल के अंदर जो होगा, कॉर्पोरेट लॉ और SCMP, दो बड़े पेपर ई लर्निंग मोड में डाल दिए, अब इसका रियल शेप क्या होगा ये देखना बाकी है, मतलब देखते हैं होता है क्या आगे। यस, और एक जो सबसे मोटी लाइन है जिसको शायद ही कोई आदमी बहुत एलिब्रेट कर रहा है, जिसको डिस्कस कर रहा है, IT एंड एथिक्स, जो वाइस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट में भी था, मैं बहुत ही फोकस करके बोल रहा हूँ, सबसे मेन लाइन है इस पूरे सिलेबस की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्रक्स है। स्ट्रेटजी तो देख ही लिया तुमने, अभी और बात करेंगे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की, रुको भाई सबर करो। SM 100% 100 मार्क्स का फाइनल में आप बड़े लेवल पे पढ़ने वाले हो, और मैं IIM से आता हूँ, इंडस्ट्री से आता हूँ, 17 साल एक्सपीरियंस है मेरा, पढ़ाऊंगा आपको SM प्रैक्टिकल केस बेस्ड, जैसा अब तक पढ़ाया है प्रोएक्टिवली केस बेस्ड पढ़ाऊंगा आपको, खुद के बनाऊंगा केस, ICI के केसेस जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं करेंगे, उधर तो अपने को अपने हाथ में, मतलब स्काई इज द लिमिट, सो वी आर गोइंग टू किल इट लाइक एनीथिंग, तो वो तो अपन करने ही वाले हैं, वहाँ तो मैं आपके साथ बिल्कुल रहूँगा, बहुत अच्छा सपोर्ट दूंगा आपको जैसे मैंने अब तक दिया आपको। IT एंड एथिक्स विल बी पार्ट ऑफ ईच पेपर, मतलब EIS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन, टैक्सेशन में, कॉस्ट में, FM में, लॉ में, हर फील्ड में, अकाउंटिंग के फील्ड में से अकाउंटिंग करनी है, ERP, EIS वगैरह, AIS, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अब उधर आपको अकाउंट्स या FR के साथ पढ़ना होगा, ऑफकोर्स आपको EIS वाले किसी सिस्टम एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वो एक नई दुनिया होगी जो हमें देखनी है कि इस तरह से आती है। तो वहाँ पे मैं आपको फाइनल के वो सारे कंपोनेंट को एक जगह इकट्ठा करके इसका ऑडिट के साथ पढ़ोगे, सिस्टम ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, वहाँ आपको लगेंगे वो टीचर्स जो रियली सिस्टम फिलॉसफी को जानते हैं, जन एक्सपर्ट EIS, IT, SM, स्ट्रेटजी, इंडस्ट्री से आते हैं, काम करते हैं, इसी एरियाज में प्रैक्टिस करते हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि फाइनल को आप लाइटली नहीं ले सकते, वहाँ 2 chapters भी किसी बड़े बड़े पेपर के जैसे वेटेज रखते हैं, और खास करके इस मॉडर्न सिलेबस में। और एक सबसे सबसे बड़ी न्यूज आपको देने जा रहा हूँ,
जहाँ की, और इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं 225 मार्क्स के पेपर आपको अप्रॉक्सीमेटली इंटर फाइनल मिला के पढ़ाने जा रहा हूँ, तो उसमें से एक पेपर आ गया पेपर नंबर 6, ये फाइनल का पेपर नंबर 6 मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी, जिसमें आप पढ़ने वाले हो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट IT EIS और उससे रिलेटेड केसेस, आप पढ़ने वाले हो फॉरेंसिक ऑडिट उसका एप्लीकेशन, पढ़ने वाले हो रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक ब्रॉडर एडवांस लेवल कोर्स, जिसे हम कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, में हमेशा से कहता हूँ जनरल मैनेजमेंट नहीं है, दिस इज एन एडवांस लेवल कोर्स, तो हम उसको पढ़ने वाले, तो लेट्स सी लेट्स वेट कि कितना शानदार होता है ये कोर्स हमारे लिए। और यहाँ भी 30-70 रहेगा, जैसा कि ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव का केस बेस्ड सिनेरियो बेस्ड प्रॉपर होगा, ओपन बुक रेस्ट्रिक्टेड का मिक्स होगा, CC टू बी टू डिसाइड एकदम क्रक्स आपको मैं बता रहा हूँ, एग्जाम दोनों होंगे कंप्यूटराइज्ड होंगे एंड फिजिकल मोड दोनों में होंगे। अब मेरे कंक्लूजन्स, अब ध्यान से सुनो, कंक्लूड करता हूँ इस पूरे सिलेबस को, मेरे पास स्टूडियो नहीं था तो मैंने इसको नोट किया था सारे क्रक्स को, सारे समरीज को नोटिफिकेशन पढ़ के, और प्लस जो इंस्टीट्यूट का वो जो डॉक्यूमेंट आया है जो आपसे कपिल सर ने, मोहित सर ने, नीरज सर ने, सारे सर लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, उन सारे लोगों से मैं सब जगह अग्री करता हूँ, बस एक जगह जब वो कह रहे टाटा बाय बाय EIS को, नहीं, EIS को आप 21st सेंचुरी में किसी भी जगह से हटा ही नहीं सकते, ठीक है एज अ पेपर इंटर से वो चला गया बट फाइनल में हर पेपर में वो आ गया। अब सोच के देखो तुम सोच के देखो खुद ही, फाइनल में इसका हुआ करता था और हम क्या बोलते थे इसका किसका, और अब तो IT इनेबल्ड सब्जेक्ट्स बनाने की बात हो रही है, कितना फोकस बढ़ने वाला है हमारे उसके ऊपर, यस यू नीड टू फोकस ऑन दैट नंबर वन। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, SM का जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ये लाइफ लाइन है मॉडर्न बिजनेसेस की एंड मॉडर्न प्रोफेशनल्स की, ये मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ, और मुझे उम्मीद थी कि CA फाइनल में लास्ट जो सिलेबस हमारा बना था न्यू कोर्स पुराना वाला उसमें ही आ जाना था, मेरे को पक्की उम्मीद थी कि आ जाएगा, क्योंकि मैं IIM से जब वहाँ से जब अपन पढ़ के आए 2010-11 में, जब अपन पढ़ के निकले वहाँ से सेमेस्टर में 9-10-11, तो जब वहाँ से पढ़ के निकले तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि पूरी दुनिया में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज गोइंग टू रूल एंड दैट ऑल्सो, और उसको पढ़ाने का और पढ़ने का तरीका होगा केस बेस्ड। तो CA में आया तो मेरे को एक पक्की उम्मीद थी कि CA कोर्स आज नहीं तो कल तो लेके आएगा, तो फाइनली ICAI हैज एक्सेप्टेड दिस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो अपना कोर एरिया है, रिसर्च का एरिया है जिस पर मैंने पूरी जिंदगी काम किया है, एंड सिस्टम EIS इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड IT, और जो और उसमें भी खास करके पुरानी वाली टेक्नोलॉजीज नहीं, इमर्जिंग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज थी जिसका रोल IT में, ऑडिट में, टैक्स प्लानिंग में, कंप्लायंस में, GST में, आप देख रहे हो लगातार हो रहे सारे टूल्स एंड टेक्निक्स, वो अब आपके लाइफ में भरमार होंगे, और उसके बाद जो ई लर्निंग के कोर्सेस होंगे, बैकएंड पे जो ट्रेनिंग्स होंगी, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की जो ट्रेनिंग होगी, उन सब में बहुत अच्छा इसका रोल होने वाला है। आपकी आर्टिकलशिप मैंने चर्चा नहीं करी क्योंकि आप सब जानते हो 2 साल की हो चुकी है, उसमें 1 साल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ऑप्शन भी आपके पास आ गया है, ये बहुत गुड न्यूज़ है, वेलकम मूव है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में आपको बहुत सारे की ट्रेनिंग देने की बात प्रेसिडेंट ऑफ ICAI ने की है, वो भी वेलकम मूव है, आई लाइक दिस एंड आई रिस्पेक्ट दैट। एंड ये सिलेबस जो रियली ICAI प्लान कर रहा है ना, ओहो मस्त वाला कर रहा है, वी शुड बी थैंकफुल टू ICAI, बट मेरे कुछ रिजर्वेशंस हैं, मैं वो डिस्कस करता हूँ, मैंने कुछ नोट किए थे पॉइंटर्स, और कई लोगों को भी मैंने बोला, वो भी इस बात पे स्टूडेंट्स ही मेरे को लिख रहे हैं, वो भी काफ़ी क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड। पहला है स्टाइपेंड को लेके जो मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे आई डोंट अग्री विद ICAI, आई रिक्वेस्ट देम सर जी कम से कम 10-12 हज़ार तो ले जाओ, और 30 हज़ार तक कर दो तो और बढ़िया है, नहीं बड़े शहरों में तो कम से कम बहुत खर्चे होते हैं यार आजकल बच्चों के। और एक दो चीज़ जैसे कॉपी की चेकिंग को लेकर के, सर मार्किंग का जो पैटर्न है कैसे आप मार्क करते हो वो पब्लिक कर दो, एग्जामिनेशन को थोड़ा ठीक कर लो, और सजेस्टेड वगैरह थोड़े से दे दो, ऑप्शंस दे दिया करो आंसर के, एकदम रिजिडिटी का रूल मत लगाओ, डिस्प्यूट्स होते हैं उसकी वजह से और कई बच्चे लूज करते हैं मार्क्स, और आपका एक जो ट्रांसफ़र था जो बच्चों का जो CA लोग ट्रांसफ़र देते अपने प्रिंसिपल लोग, तो वो फास्ट ट्रैक ट्रांसफर की बात चल रही थी, बस उसके बारे में कुछ सुनने को नहीं मिला नोटिफिकेशन, मुझे नहीं दिखा एटलीस्ट, ये 3-4 एरिया से जो मुझे कुछ नहीं दिखा, तो आई रिक्वेस्ट ICAI कि इन पे अगर आप काम करें थोड़ा तो आपके शायद ये जो मॉडर्न सिलेबस है ना कहते हैं वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, मतलब 4 चांद लग जाएंगे। आप खूब पढ़ाओ, मॉडर्न पढ़ाओ, आप एकदम रिग्रेस पढ़ाओ, आप दुनिया का बेस्ट सिलेबस पढ़ाओ, लेकिन थोड़ी सी लाइफ भी आसान कर दो ना यार, है ना, ये दिल मांगे मोर, मतलब ये अपनी डिमांड है छोटी सी, एंड आई थिंक दिस इज द क्रक्स। इससे ज़्यादा अभी ICAI की तरफ से कुछ नहीं आया, बट एक बात ध्यान रखना, फाइनल के सारे पेपर मल्टीडिसिप्लिनरी होने जा रहे हैं। पेपर नंबर 6 तो मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी होगा, उसको तो तुम छोड़ दो, वो तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रूल्ड रिस्क मैनेजमेंट रूल्ड पेपर होगा,
वो तो अपन देख लेंगे, ठीक है, वो तो मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ और इंडस्ट्री में बेस्ट आपको सर्विस देने वाला हूँ, डोंट वरी, उसके लिए तो आई एम रेडी एज पर माई, क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज ही वही है टू बी ऑनेस्ट। और जो सिस्टम है जो सारे अलग अलग पेपर में मल्टी डिसिप्लिनरी के तौर पे एंट्री मारेगा, वो वाला एरिया मैं आपको कवर करूंगा। तो मे बी कि अब आप मुझे इंटर में सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में देखेंगे और फाइनल में तो आप मुझे हर जगह देखेंगे। आपको भी पता है, कई बच्चों ने कमेंट किया है कि सर EIS हटा है लेकिन जो फाइनल में अगर उसको ठीक से इंटीग्रेट नहीं करते तो 21st सेंचुरी में एक ऐसा कोर्स जो कम्पीट करने जा रहा पूरी इंडस्ट्री में, अगर उसमें IT नहीं होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होगा, उसके एप्लीकेशंस खास करके नहीं होंगे, सिर्फ थियरी पढ़ा के कुछ बनता नहीं है, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उसके एप्लीकेशन दो, मैं बहुत सारे नए नए टूल्स से बच्चों को पढ़ाऊंगा और बच्चों को काफ़ी प्रैक्टिकली उनको तैयार करूंगा, क्योंकि फाइनल करने के बाद तो उनको सीधा प्रैक्टिस में घुसना है। FCA साहब के साथ एक साल लगाने के बाद यू आर रेडी फॉर द मार्केट। सो दिस इज अ वेलकम मूव ओवरऑल। 3-4 मेरे रिजर्वेशन हैं जो मैंने आपको बताए, एंड दिस वाज द समरी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जितने नए बच्चे 10th क्लास के बाद ही एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको एक नए सिलेबस में स्वैग से करेंगे, IT से करेंगे, सिस्टम से करेंगे, स्ट्रैटेजी से करेंगे, और तमाम जो अकाउंटिंग के फील्ड के सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट, FM, ऑडिट, लॉ, इनसे आपका करेंगे स्वागत। तो आइए इस नए सिलेबस का, जिसका कि अब फाइनली नोटिफिकेशन एंड गैजेट्स एंड ICI के पोर्टल्स पे और स्पीचेज में हर जगह एकदम स्वागत चालू हो गया है, हम भी करते हैं स्वागत दिल से। I wish you all the best to ICI, all the best to all the students who are going to be chartered accountant in near future. And me as a industry professional, I am alumnus, I am going to support you with all my tools and techniques, that the maximum that I can do for you guys. Okay? So see you, all the best, bye-bye. You are watching ISSM with Om. अभी तो यही बोलूँगा, धीरे धीरे और भी बातें करेंगे। You are watching Strategic Management with Om. All the best. Bye-bye.